स्वागत है मिस आर्या के चैनल में। तो आज का वीडियो आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा। तो आज का वीडियो है ओरियो शेक कैसे बनाएं, वो भी सिंपली तरीके से, जो कि आपके पास सामान हो उसी से हम लोग कैसे बनाएं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। मैं आपको सारे सामान दिखा देती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए शुगर एंड हाफ कप मिल्क, आप वन कप भी ले सकते हो लेकिन मैं हाफ कप ली हूँ। स्पून एंड मतलब ग्लास और ओरियो बिस्किट, और हमें चाहिए वफल स्टिक्स, मैंने भी लिया है, और एक डेयरी मिल्क। चलिए हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबको साइड रख दी थी। और हाँ, वाटर भी चाहिए हमको। तो मैं तो सबसे पहले हम स्पून एंड ग्लास ले लेंगे और थोड़ा सा 2 स्पून इसमें हम लोग मिल्क ऐड करेंगे। 1 स्पून एंड 2 स्पून हमें शुगर हम इसमें इतना शुगर डालेंगे। तो चलिए डाल देते हैं इसमें। अब हम शुगर को साइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ वाटर एक ढक्कन लूँगी, यानी कि कुछ आपके पास ऐसा कप भी हो चाहे कुछ भी हो तो उससे आप लोग ले सकते हो। तो मैं ढक्कन से ही लूँगी एक कप, एक ढक्कन। तो देखिए, मैंने ले लिया है पानी, मैं इसमें डाल देती हूँ। टी हो गया। और उसके बाद से हम ओरियो लेंगे, करूँगी एक, बहुत कम हो गया है, हो जाएगा। इसका क्रीम जो कि ना, हम इसे निकाल के अलग से रख सकते हैं आप लोग। फिर इसको बिल्कुल तोड़ के इसमें डाल दीजिए। अब उसके बाद से आप लोग बिल्कुल इसको मिक्स कर लेना। इसे भी हम लोग मिक्स कर लेंगे दोस्तों। आपको मिक्स करेंगे ना तो कुछ ऐसा बैटर आपको मिलेगा। ये थोड़ा नीचे गिर जाए तो मैं इसको भी उठाती हूँ। क्रीम हम लोग इसमें का भी निकाल लेंगे, ये हमें ज़रूरत आएगी, इसको आप लोग वेस्ट मत कीजिएगा। तभी हम लोग इसको भी मिक्स कर लेते हैं, बैटर देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद हम जो मिल्क है ना, इसके अंदर हम लोग ये क्रीम को डाल देंगे, छोटे छोटे पीसेस करके। ये आप ऐसे खड़े भी डाल सकते हैं। ये अब हम इसमें डालेंगे डेयरी मिल्क। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको कट कर लिया इसके प्लास्टिक को। अब हम इसमें टोटल 2 पीसेस को ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाल देंगे। और ये 2 पीस हम लोग साइड में रख लेंगे, ये भी हमें यूज में आएगा। इसका बैटर जो कि है ना, ओरियो का हम लोग बैटर बनाए थे, उसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसको मिक्स करते रहेंगे, पूरा इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें जो भी डेयरी मिल्क हमने डाला था ना, वो भी इसे मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर जो कुछ चॉकलेट और ओरियो जो खड़ा खड़ा था ना, उसको मैंने वैसे छोड़ देंगे, लेकिन तब पर भी उसको मिक्स करते रहेंगे। देखिए, अभी तक उसका क्रीम और वो पूरा टोटल हुआ नहीं, तभी हम इसको मिक्स करते हैं। और तो अभी चलिए हम लोग इसके ऊपर ओरियो बिस्किट को ऐसे रख देते हैं। टोटल 3 पीसेस इसमें डाले हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने उसको इसमें डाल दिया और पूरा मेल्ट हो गया। अब हम इसमें वफल स्टिक डालेंगे इधर साइड साइड से। ये हो गया 1 वफल, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये 4 वाले को हम लोग तोड़ के डाल देंगे। जो ना बहुत ही अम्मी लगेगा। और ये देखिए, इसका क्रीम जो है ना, आप लोग वफल स्टिक जो है ऐसे रोल करके इसको, मतलब ऐसे ऐसे करके इसको वफल स्टिक के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि और भी यम्मी लगे। तो मैंने बैटर बचा के रखा हुआ, तो मैं उसको डालेंगे इसमें। तो इसको मिक्स करके इसमें इसके ऊपर भी डालेंगे। ये हो गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स,
अभी हमारा ओरियो शेक बन के बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट टेस्ट करके बताती हूँ। टेस्ट करते हैं। वाओ, बहुत देखने में अमेजिंग लग रहा है। पूरा कप मैंने किया है। मैं सबसे पहले एक स्पून से इसके अंदर मैंने ओरियो बिस्किट डाले थे वो खाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और अगर आपको ऐसे बनानी है तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को देखें। अरे बहुत यम्मी लग रहा है फ्रेंड्स, देखो। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।